वीडियो वी विल लर्न अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कोई फ़ायदा, कोई लाभ। जब हम में कोई लाभ होता है, कोई फ़ायदा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉस। लॉस क्या होता है? नुकसान। जब भी हमें कुछ भी नुकसान होता है तब क्या यूज़ करते हैं हम? लॉस। प्रॉफिट को हम किस में डिनोट करते हैं? प्रॉफिट को मैंने डिनोट किया पी में। किस में किया? पी में। और लॉस को किस में किया? एल में। अब लॉस और प्रॉफिट होता कब है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें? हमें ये जानने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? प्रॉफिट और लॉस हम कब यूज़ करेंगे? जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई सेल करते हैं, बेचते हैं, तब हमें लॉस और प्रॉफिट होता है। जैसे कोई दुकानदार है, अगर कोई वो चीज़ खरीद रहा है और उसको किसी में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, उसमें लॉस भी होगा। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉफिट और लॉस। खरीदना, खरीद जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम उसको? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। अगर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं किसी को, किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। किसी चीज़ को खरीदना हम उसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और किसी चीज़ को बेचना मीन्स उसको देना किसी को, तो उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हम किस में डिनोट करेंगे? सीपी में। किस में करेंगे? सीपी में। और सेलिंग प्राइस को एसपी में। सीपी क्या होता है? किसी चीज़ को खरीदना। और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस मीन्स किसी चीज़ को सेल करना, किसी चीज़ को बेचना। जब हम कॉस्ट प्राइस और सीपी की बात, एसपी और सीपी की बात करते हैं, तो वहाँ क्या कौन से टर्म यूज़ होते हैं? प्रॉफिट और लॉस। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक पर्सन है, वो एक पेन है वो खरीद रहा है। उसने खरीद उस पेन को कितने रुपीज़ में खरीदा? 20 रुपीज़ में खरीदा उसने। तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? सीपी। वो सीपी होगा उसका। और उसी पेन को वो आगे बेच रहा है उस कितने का? 25 रुपीज़ का। कितने का बेच रहा है? 25 रुपीज़ का। वो क्या होगा? एसपी होगा। सीपी है, उसने एक पेन है खरीदा, उसको कितने रुपीज़ में खरीदा उसने? 20 रुपीज़ में। और उसको आगे बेच दिया उसने 25 रुपीज़ में। अब हमें पूछ रहे हैं भी उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो हमें कैसे पता चलेगा? कुछ कंडीशन हैं, जैसे सीपी अगर एसपी से छोटा है, लेस देन है, तो वहाँ क्या होगा? प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट। अगर सीपी ग्रेटर है एसपी से, तो वहाँ होगा लॉस। अगर सीपी छोटा है तो वहाँ प्रॉफिट होगा, अगर सीपी वहाँ बड़ा है तो वो क्या होगा? लॉस होगा। अब यहाँ क्या है? सीपी है उसको छोटा है, छोटा है अगर, तो क्या होगा उसको? प्रॉफिट होगा। हम ये तो पता चल गया भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, बट कितना हो रहा है प्रॉफिट वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ये तो हमें इससे पता चल गया इन टू कंडीशन से भी उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें आगे ये भी पता करना पड़ेगा अभी प्रॉफिट हो तो कितना हो रहा है उसको। इसका ये फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था हमारे पास? 25। और सी पी कितना है? 20। माइनस कर देंगे हम कितना या 5। इट मीन्स 5 रुपीज़ क्या होएगा उसका? प्रॉफिट। ये 5 रुपीज़ क्या आ गया? उसका प्रॉफिट आ गया। उसने 20 रुपीज़ का पेन खरीदा और 25 का आगे उसने सेल कर दिया, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 5। अब ये तो 5 आ गया हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट में आ गया। अब हमें बोला जाए भी कितने परसेंटेज, इसको परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे हम? प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? पी अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 5 रुपीज़ आया यहाँ से। कॉस्ट प्राइस कितना था? 20 रुपीज़ था। 20 को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 20। साथ में क्या लग जाएगा? परसेंटेज। परसेंटेज पूछा था, 25 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज।
फाइव तो उसका प्रॉफिट हो रहा था और परसेंटेज में निकाला तो कितना आ गया 25%। ऐसे सेम लॉस भी हमारा ऐसे निकल जाएगा। अगर हमारे पास हमारा सीपी है एसपी से बड़ा होगा तो वहाँ क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। हमने ये टू फॉर्मूले याद रखने हैं, ये और ये, ये प्रॉफिट फाइंड करने के लिए और ये लॉस फाइंड करने के लिए, और ये कंडीशंस हैं अप्लाई होंगी इस पे। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम। क्या बोला इन्होंने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस इफ लॉस इज 55 एंड कॉस्ट प्राइस इज 500। इन्होंने बोलना है हमने परसेंटेज ऑफ लॉस फाइंड करना है अगर लॉस गिवन है हमें 55 और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। सेम फॉर्मूला यूज होगा, क्या फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज फाइंड करने का, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, लॉस कितना है, लॉस कितना हमारे पास 55 है, नीचे क्या आएगा सीपी आएगा, सीपी 500 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो, आगे फाइव के साथ कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 11%। 11% हमारे पास क्या आ गया, लॉस। ओके, लॉस परसेंटेज, लॉस गिवन था, कॉस्ट प्राइस गिवन थी और हमने फॉर्मूला लगाकर क्या कर दिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है इफ एसपी इज 300, एसपी क्या हमारा 300 और सीपी क्या है 500। एसपी क्या गिवन है हमें 300 रुपीज गिवन है और सीपी क्या गिवन है हमें 500 रुपीज। हमें कंडीशंस याद है, हमारी कंडीशंस क्या थी, अगर सीपी लेस देन है एसपी से तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर सीपी ग्रेटर देन है एसपी से तो क्या होगा, लॉस। हमने यहाँ देखना है एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, इट मीन्स उसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लॉस कैसे फाइंड करते हैं, सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या है 500 माइनस 300, माइनस करने के बाद क्या आएगा 200 क्या आ गया हमारा लॉस, 200 रुपीज़ उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था। उसने 500 की कोई चीज़ खरीदी थी और उसको आगे सेल कर दिया 300 में, तो उसको कितने का लॉस हुआ, 200 का। यदि आगे बोला जाए भी इसको लॉस परसेंटेज में निकालो, तो सेम प्रोसीजर, लॉस परसेंटेज हमें पता है क्या होता है, एल लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस क्या है 200 और सी पी क्या है हमारे पास 500, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100, जीरो के साथ जीरो कैंसल्स हो जाएंगी, 5 1 5 5 4 20 40 आ जाएगा, 40 क्या आ गया हमारा लॉस परसेंटेज, दैट विल बी द आंसर।